दिखाता हूँ कुछ साइडों से, कुछ सामने से कि ये दिखता कैसा है। कोशिश करते हैं इसकी कोई तारीख बता सकें, जो कि बड़ी मुश्किल से पड़ी जा रही है। और जगह अच्छी है, मौसम आज अच्छा है, तो अगर आपने फ़ोटो शोटो बनानी है तो भाई इस जगह आके फ़ोटो बना सकते हैं। इतनी दूर नहीं है, इस्लामाबाद से आप रवात आ सकते हैं, और रवात से सिर्फ चंद किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर अंदर ये मनक्याला गाँव है, वहाँ पर है। तो आप भी आएँ और देखें यार, पाकिस्तान की तारीख बड़ी रिच है। और ये देखें, स्टूपा यहाँ पर बना हुआ है, अशोका के ज़माने का और महात्मा बुद्ध के याद में बनाया गया ये स्टूपा है। और ख़ूबसूरत जगह है, गाँव का मंज़र है, साथ खेत हैं। तो आएँ, देखें और इन्जॉय करें। आपको मैं दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ इसकी तारीख भी बता सकें। मनक्याला स्टूपा को मुकामी तौर पर तोपे मनक्याला के नाम से जाना जाता है। इस स्तूपा की तामीर महात्मा बुद्ध की एक पहली जिंदगी के वाक़या की याद में की गई है। इसको माउंट स्टेवर्ट एल्फिन स्टूवन, जो कि अफगानिस्तान में पहले बरतानवी नुमाइंदा थे, 1808 में दरियाफ्त किया। इस स्तूपा की बहाली पहली मरतबा 1891 में की गई। मनक्याला गांव के बारे में ये कहा जाता है कि ये गाँव राजा मनजामक ने आबाद किया, जिसे इस स्तूप की तामीर से मंसूब किया। और ये भी ख्याल किया जाता है ये गांव इंडोसेथियन बादशाह मानीगुल ने आबाद किया, जो वक्त के साथ साथ मानकपुर, मानक नगर और बिलआखिर मनक्याला मारूफ हो गया।